बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूं, माना चारों युगों की शूटिंग का, चारों युगों की रिहर्सल का टाइम जब पूरा होता है तब आता हूं। चारों युगों की रिहर्सल, सिफर रुद्रमाला के आधार पर है या रुद्रमाला और विजयमाला दोनों के आधार पर है? दोनों के आधार पर, क्योंकि स्वर्ग में जो भी देवी देवताएं होंगे वो सब प्रवृत्ति मार्ग वाले होंगे या निवृत्ति मार्ग वाले होंगे? प्रवृत्ति मार्ग वाले। इसलिए मैं कहता हूं मैं कल्प के संगम युगे आता हूं। चारों युगों की शूटिंग पूरी होती है, माना कल्प का संगम हुआ। वो गाया हुआ है क्या? नहीं, वो कल्प का एक्यूरेट संगम चार चित्रों में भी लिखा हुआ है। कोई चित्र है? हाँ, संबत एक, एक और एक। कब कहेंगे? 2018 से। हैं? 2018 से। देवी देवता सनातन धर्म का आरंभ। जैसे क्राइस्ट से कहते हैं क्रिश्चियन धर्म, क्रिश्चियन संबद्ध। मोहम्मद के नाम से कहते हैं ख्रिस्त संबद्ध। विक्रमादित्य के नाम से कहते हैं विक्रम संबद्ध। बाकी मैं योगे योगे नहीं आता हूं। क्या? जैसे गीता में लिखा है संभवाम योगे योगे, मैं हर युग में नहीं आता हूं, तो क्यों लिख दिया हा संभवाम योगे योगे? हर युग की शूटिंग में, हर युग की शूटिंग का काल पूरा होता है तो मैं कोई न कोई रूप से प्रत्यक्ष जरूर होता हूं, कोई पहचाने या न पहचाने। जैसे संगम युग में 100 साल में पहले 40 साल के बाद सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, तो क्या साबित हुआ कि सतयुग का कार्यकाल शूटिंग का पूरा हुआ। जैसे षष्ठी चक्र के चित्र गोले में दिखाया है क्या? सतयुग में कौन बैठे हुए हैं? अरे सतयुग के गोले में कौन बैठा है? गोले के चित्र में ध्यान से देखो। अरे लक्ष्मी नारायण, देखो ध्यान से, राधा कृष्ण बैठे हुए हैं। तो बताया कि सतयुग की शूटिंग का कार्यकाल 40 वर्ष में पूरा होता है, फिर त्रेता युग की शूटिंग जब शुरू होती है तो त्रेता युग में किसको दिखाया? राम और सीता। तो वो आत्माओं की प्रत्यक्षता होती है जो मनुष्य सृष्टि के
बाप के रूप में दिखाई गई है। कौन? राम सीता। तो वो त्रेता युग की शूटिंग की शुरुआत कब कहे? शूटिंग की शुरुआत है 76। बाप का प्रत्यक्ष तब माने 76 में मनुष्य सृष्टि का बाप बनने वाली आत्मा प्रत्यक्ष हो जाती है। उसके बाद है त्रेता युग में राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है और द्वापर युग की शूटिंग कब पूरी होती है? रुद्रमाला के बीच। है नाइन्टी एट में कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कि द्वापर के अंत में श्री कृष्ण भगवान प्रत्यक्ष होते हैं और महाभारत युद्ध कराते हैं। तो ये शूटिंग पीरियड की बात है या द्वापर युग की बात है? ब्रा ड्रामा में शूटिंग पीरियड की बात। शूटिंग पीरियड में रुद्रमाला के मणकों के द्वारा जब शूटिंग होती है तो उस समय की बात है कि रुद्रमाला के मणकों के बीच में जो अव्वल नंबर आत्मा है जिसमें कृष्ण की सोल प्रवेश होकर पार्ट बजाती है वो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को स्वतंत्र होती है और कृष्ण जन्म भी उसी दिन गाया हुआ है। उसी दिन कृष्ण जन्म, उसी दिन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जेल से बाहर आती है। ब्राह्मणों में दो जन्म गाए हुए हैं, द्विज कहा जाता है, द्वि माने दो, ज माने जन्म लेने वाला, द्विज माने दो बार जन्म लेने वाला। तो उन ब्राह्मणों में जो अव्वल नंबर बच्चा है कृष्ण के रूप में गाया हुआ है वो आत्मा शूटिंग पीरियड में ब्राह्मणों की दुनिया में अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा, चैनल्स के द्वारा, रेडियो के द्वारा कब प्रत्यक्ष होती है? पहली बार प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब लेती है? है? अरे अभी तो बताया है 98 15 अगस्त जन्माष्टमी के दिन। प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती बच्चा बाहर आता है तो प्रत्यक्ष होता है ना, तभी तो जन्म गाया हुआ है। फिर वो ब्राह्मण का पहला जन्म है, उस बच्चे का पहला जन्म है, दूसरा जन्म भी होना चाहिए जिसे यज्ञोपवीत कहते हैं। ब्राह्मण बच्चा जब यज्ञोपवीत धारण करता है तब कहा जाता है पक्का ब्राह्मण। ये यज्ञोपवीत क्या है? तीन सूत्रों का बंधन है जिसे ब्रह्मफांस कहा जाता है। ब्रह्मा का ज्ञान सूत्र, विष्णु का ज्ञान सूत्र और शंकर का ज्ञान सूत्र,
तीनों ही ज्ञान सूत्र को धारण करने वाला उसको कहते हैं पक्का ब्राह्मण। भक्ति मार्ग